खबर विदिशा से है, जहां जिले में बेरोजगारों को झूठा दिलासा और अच्छी तनख्वाह का लालच देकर ठगी करने के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विदिशा में सामने आया, जब एक दर्जन से अधिक लोगों ने नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। बेरोजगार युवकों की रोजगार पाने की इच्छा का फायदा उठाकर बेरोजगारों को फर्जी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले लोग जिले में सक्रिय हैं। यह लोग बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे रुपए हड़प लेते हैं। वहीं बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है, हर कोई नौकरी की चाहत में बिना सोचे समझे पैसा इन लोगों को दे देता है। कोतवाली थाने में एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने पहुंचकर नटेरन तहसील के पीताम्बर मुडरा में रहने वाली एक शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए आरोपी को ढूंढने और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित युवकों ने बताया कि पीताम्बरा मुडरा में रहने वाली चेतन दुबे उर्फ चंद प्रकाश शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी दिलाने का नाम पर बेरोजगारों से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन अब तक कोई नौकरी नहीं लगी। अब उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जब उसकी तलाश की तो आरोपी नहीं मिला। परेशान होकर कोतवाली थाने में शिकायत की, ठग पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। नौकरी दिलाने के उस पर मांगी थी, ये 2 महीने हुए सर, अब उसका ना फोन लग रहा ना संपर्क में।